जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे काहे तब जया गाता जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय हे जय 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 हे वंदे मातरम। कृष्णा शुक्ला की तरफ से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की आज़ादी कोई रातों रात हुई एक घटना नहीं थी। भारत को आज़ाद करने में सन 1857 से लेकर के 1947 तक न जाने कितने ही शूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ये आज़ादी जो हमें इतनी आसानी से मिली है, ऐसा हमें लगता है इसके मायने बदल गए। आज की जनरेशन को क्या आज़ादी का सही सही अंदेशा है, अंदाज़ा है कि ये किस चिड़िया का नाम है? लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, बेसिकली मैं आज मतलब क्या है कि अपने थॉट्स लिए फ्रीडम, जो करना चाह रहे हैं उसके लिए फ्रीडम, और मतलब ऐसा नहीं कि लॉ को ब्रेक करके वी कैन डू व्हाट वी वांट टू हैव फन बट विद इन लिमिट्स। यस, आप कहते हैं कि आज़ादी की एक हद होती है, हाँ, एक सीमा होती है, किसी को हर्ट नहीं करना है, मतलब मजे लेने हमें अपने एक लिमिट में लेनी कि किसी को हर्ट ना हो, दैट इज़ आज़ादी। हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि फ्रीडम है लेकिन एक दायरे में रहकर, एक बाउंड्री में रहकर, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन और अपनी कंट्री को ना खराब कर दें, उसका यूज़ करके, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहता है फ्रीडम टू स्पीच, उसका गलत यूज़ करके हम उसी का अपने फ़ायदे में ना ले लें, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और कंट्री के लिए खराबी चीज़ है, तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा। क्या सड़क पर कूड़ा फैलाना हमारी आज़ादी का हिस्सा है? नहीं, ये तो बात बिल्कुल गलत है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री ने खुद इसके लिए पहल की है, स्वच्छ भारत अभियान, हम लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए। हर आदमी अपने तरीके से जी सकता है, फ्रीडम का मीन ये है कि हर आदमी जो चाहे वो कर सकता है। आई थिंक फ्रीडम मेरे हिसाब से बस यही है कि अगर मतलब अगर कोई लड़की ऐसे जा रही सड़क में, उसको अगर हम लोग घूर रहे हैं तो क्या वो हमारी आज़ादी का हिस्सा है? नहीं, आज़ादी का हिस्सा कहीं से भी नहीं, ये तो गलत है। और सड़क पर कूड़ा फैलाना हमारी आज़ादी का हिस्सा? ये आज़ादी का हिस्सा नहीं है, क्रूरता का हिस्सा है। आज़ादी वो है जो कुछ भी खुल के करो, मतलब गलत काम नहीं, अच्छे काम खुल के करो, और जो गलत कर रहा है उसको रोको, जो गलत कर रहा है उसको रोको। क्या आप उसकी आज़ादी में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं ऐसे? वो गलत काम कर रहा है जी, तो उसको रोकना हमारा फर्ज बनता है। तो वही तो लॉ कहता है, आप कर रहे हैं फ्रीडम है, फ्रीडम डजंट मीन कि आप किसी को बुली कर रहे हैं या फिर और कोई गलत काम कर रहे हैं। व्हाट आर फादर्स वांटेड कि मतलब हम लोग अच्छे से जिए, तो वी शुड लाइक ट्राई टू कीप व्हाट देयर आइडियल्स वर। तो हाँ, फ्रीडम है लेकिन उस टाइप की भी फ्रीडम नहीं है कि लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं, इनफैक्ट बॉयज को थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं ये कहूँगी। अपने फैसले अपने से लेना, अपने फैसले खुद लेना, ये आज़ादी होती है मेरे हिसाब से। फैसले गलत भी हो तब भी? नहीं, गलत नहीं, अच्छे फैसले लेना। जो गर्ल्स हैं, लड़कियां, इनको आज़ादी मिले, इनके ऊपर कोई मतलब छेड़खानी ना हो, जो जैसे हम लोगों की बहन माँ भाई वैसे ही जो है वो उन वो भी हमारी बहन भाई हुई, तो जैसे मतलब कि होता है जैसे अपने घर पे रहते हैं उसी तरह से बाहर भी हमको लोगों को अपना रवैया रखना चाहिए, एटीट्यूड रखना चाहिए, किसी भी चीज़ की बंदिश ना हो, कोई हमें रोके ना, खुल के सब कुछ कर सकें, ये हमारे लिए फ्रीडम है। काम करना सही काम करना चाहिए। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करो, आपको ये मतलब अपनी लिमिट्स भी याद रखनी चाहिए।